नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं रश्मि शर्मा। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो छपरा से मिल रही है। दर्जनों घर में अचानक आग लग गई है, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इस आगलगी में मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। ये पूरा मामला है दाऊदपुर थाने के बलवार गांव का। तो दाऊदपुर थाने के बलबार गांव में अचानक आग लग गई है, दर्जनों घर में आग लगी है और इस आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सीधे रुक करते हैं छपरा, जहां हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आग पर काबू पाने की कवायद किस तरह से हो रही है। जी देखिए रश्मि, जिस तरह यह सुबह सुबह आग लगी है, इसके बाद पूरे गांव के ग्रामीण जो है वो जुट गए हैं और अपने स्तर से जो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है किया जाता है वो करने लगे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां आ गई है और आग पे काबू पाए जाने का प्रयास जारी है। हम आपको बता दें कि इस आग पे काबू पाए जाने के प्रयास में युवक जी मनोज कुमार सिंह नाम का एक युवक वो भी हल्का सा झुलस गया है। जी राकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि ये कौन से गांव की घटना है। जी देखिए, दाऊदपुर थाना क्षेत्र का ये गांव है। हेलो जी राकेश, हम सुन रहे हैं आपको। दाऊदपुर थाना क्षेत्र का बनवार गांव है। बनवार गांव में दलित मोहल्ला है जहाँ नाई जाति के लोग और पिछले जाति के लोग अधिक रहते हैं, मकान है। राकेश, क्या पता लग पाया है कि आग लगी कैसे है, वजह क्या है आग लगने की? जी देखिए, जब से आग लगी है तब से सारे लोग आग को बुझाने के प्रयास में हैं, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि आग लगी कैसे है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जाड़े के दिनों में शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए धुआं जलाया जाता है या महिलाएं खाना बनाती है, तो हो सकता है कि किसी के गलती से घटना हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, तो फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। इस बीच भागलपुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां कॉलेज परिसर में महिला का शव बरामद हुआ है। टीएमबी कॉलेज परिसर से शव बरामद हुआ है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है, तो मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। बेहद ही चौंकाने वाली खबर है कि टीएमबी कॉलेज परिसर से एक महिला का शव बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की भागलपुर से, जहां कॉलेज परिसर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। टीएमबी कॉलेज का यह पूरा मामला है जहां से शव की बरामदगी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव का शिनाख्त नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भागलपुर से, जहां टीएनबी कॉलेज परिसर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरी कोशिश की जा रही है, मामले की तहकीकात में जुटी हुई है पुलिस। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हुई है। अजय जुड़ चुके हैं इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय, क्या है पूरा मामला? टीएनबी कॉलेज परिसर से एक महिला का शव बरामद हुआ है। जब मैं आपको बता दूं कि लगातार भागलपुर में अपराध हो रहे हैं, इस बार टीएनबी कॉलेज के परिसर में मेन गेट के ठीक बगल में एक महिला का शव बरामद हुआ है। हालांकि महिला का जब तलाशी लिया गया तो महिला के पास से उसका वोटर कार्ड भी लाया है, जिसमें उसकी पहचान हो गई है। महिला का नाम गुलशन बताया जा रहा है और दाऊदबाग इलाके की रहने वाली है महिला। और महिला की जो हत्या है वो ईंट से पीट पीट कर की गई है, क्योंकि महिला के आसपास काफी ईंट पड़े हुए थे जिसपे काफी खून के निशान भी है। महिला का सर भी फटा हुआ है और दीवार में भी काफी खून के छींटे लगे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महिला की पीट पीट कर हत्या की गई है। वहीं भागलपुर के सिटी डीएसपी अवकाश कुमार और विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। जी फिलहाल पुलिस क्या कह रही है अजय इस पूरे मामले में? पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद ही बता सकेंगे इसकी हत्या किसने की है। फिलहाल जो है पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही है। जी फिलहाल पुलिस कुछ भी कह नहीं पा रही है, क्योंकि अभी मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू की गई है। पूरी तफ्तीश के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक महिला की पीट पीट कर हत्या की गई है, ईंट से पीट पीट कर हत्या की गई है, जो शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल इन जानकारी के लिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे अगली खबर कटिहार से है।
बेहद ही दर्दनाक खबर है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस विकास का ढिंढोरा शासन प्रशासन पीटता है, आखिर उस विकास के होने का क्या मतलब। जब महज 500 रुपए ट्यूशन फी नहीं होने की वजह से एक बेटी मौत को गले लगा लेती है और बेटी को 500 रुपए नहीं दे पाने के गम में एक पिता भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। कटिहार से आई ये खबर हम तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि जिस सूबे में एक तरफ लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जोर देते हैं, लड़कियों को पोशाक से लेकर साइकिल तक मुहैया कराने की योजना है, उन्हें पढ़ाने के लिए हर मदद देने की योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं की हकीकत को लेकर सवाल उठाती दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें एक बेटी ने अपनी जिंदगी इसलिए खत्म कर ली क्योंकि उसे पढ़ाने के लिए पिता के पास 500 रुपए ट्यूशन फी नहीं थे। वहीं एक पिता ने भी बेटी के गम में मौत को गले लगा लिया। दरअसल कटिहार का एक किसान रूदल कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था, लेकिन उसकी बेटी मीना पढ़ना चाहती थी। पढ़ने के लिए उसने ट्यूशन फीस की मांग की थी, उसे ट्यूशन फी की दरकार थी महज 500 रुपए। मीना ने अपने पिता से ट्यूशन फी की मांग की, लेकिन पिता ने आर्थिक तंगी की वजह से बेटी को पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी। निराश होकर बेटी ने जहर पीकर जिंदगी खत्म कर ली और बेटी को मौत के मुंह में जाते देख पिता ने भी जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। महज 500 रुपए की खातिर एक गरीब पिता और उसकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया। स्कूल के लिए उसको 500 रुपया चाहता था, सर मांग रहा था लड़की से, और लड़की ने फादर से रुपया मांगा कि हमें 500 रुपया की ज़रूरत है, और फादर बोले अभी नहीं है कल देंगे। इतना में अपना सिस्टर को गुस्सा आ गया, तो वो घर में दवाई थी, दवाई खा ली, और मेरा छोटा भाई था, छोटा भाई उसे दवाई खाते हुए देख ली और फादर को बोल दी कि दीदी दवाई खाई है, तो फादर बोला कौन दवाई है लाओ, तो मेरा भाई दवाई दिखाया, मेरा फादर उसका दवाई छीन कर वो भी खा ली, दोनों मर गए। इधर बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। मामले की तफ्तीश करने पहुंचे दरभंगा रेंज के आईजी अमित जैन भी मानते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बेटियों और समाज में सरकारी योजनाओं की जागरूकता की जरूरत है, साथ ही इस घटना को समाज के लिए कलंक बताया उन्होंने। सवाल कई है, जिंदगी जो गरीबी और लाचारी के सामने घुटने टेक दी है, आलम यह है कि मीना और रूदल ने सूबे में बेहतर विकास और सुशासन के दावे पर एक और सवाल छोड़ दिया है। जरूर अगर उन लोगों को अगर इस तरीके की आर्थिक तंगी थी और पढ़ाई के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, तो उनको जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात होनी चाहिए थी, या जनप्रतिनिधि वहाँ जो लोकल हैं उनकी भी मदद ले सकते थे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं समझता हूं कि जो जिला प्रशासन के माध्यम से चलाई जा रही हैं, शायद अज्ञानतावश वो लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, और बहुत दुखद घटना है, और ऐसा होना तो निश्चित रूप से एक, मैं कहूँगा कि समाज के लिए एक कलंक ही माना जाएगा।